हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता भी होगा और किसी ने अगर न्यूज़ नहीं सुनी है तो मैं उनको बता दूं कि इंडिया में अब 5 नए और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो लद्दाख का एरिया है, यूनियन टेरेटरी है जो लद्दाख की, वहाँ पर 5 नए और डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। वहाँ पर पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल, लेकिन अब वहाँ पर 5 नए और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐड ऑन किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। आप सबको पता है कि जो लद्दाख का एरिया है वो पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था, लेकिन जब 370 हटाया गया उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी, मतलब अलग इनको बाइफर्केट कर दिया गया। हालांकि जो 370 हटने से तो लोग खुश थे, लेकिन लद्दाख रीजन के जो लोग हैं वो चाहते थे कि जो लद्दाख है उसको एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लोकसभा में उनकी 2 सीटें होनी चाहिए और राज्यसभा में उनकी 1 सीट होनी चाहिए, ताकि उनके जो इश्यूज हैं और उनका जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो अच्छे से हो पाए। अभी उन्होंने दिल्ली मार्च का कॉल निकाला था कि उनको 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अपना जो है वो पद यात्रा करनी है दिल्ली के लिए, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह ने एक्स पोस्ट में जो है वो ये अनाउंस किया कि वहां पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट और बनाए जाएंगे, ताकि लद्दाख का हर एक कोना जो है वो उसको डेवलप किया जा सके। तो ये पोस्ट आने के बाद जो हमारे 5 नए नाम आए हैं सामने वो है जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा, चैंगथैंग। तो ये होंगे नए 5 और डिस्ट्रिक्ट्स। और हालांकि वहां के लोग अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली स्टेटहुड का जो है वो दर्जा चाहिए था। और इन टोटल अब हो गए हमारी जो लिस्ट है 7 डिस्ट्रिक्ट की, वो है लेह, कारगिल, जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चैंगथैंग। और ये है पहले का मैप लद्दाख का, जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट दिखाई देते थे, लेह और कारगिल, लेकिन अब जो मैप है उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो मैप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको इस तरह से शो होंगे। तो ये है फाइनल स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया है। आपको ये स्टेप कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कॉमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय।